हाय फ्रेंड, मैं हूँ रीना सिंह। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं चाउमीन बनाना। ये देखिए, चाउमीन के लिए ये सब्जी है। सब सब्जी को काटेंगे, उसके बाद चाउमीन बनाएंगे। चलिए चाउमीन के लिए तैयारी कर लिया जाए। देखिए, सारा सब्जी को काट लेंगे। बीन को देखिए फ्रेंड, इस तरह लंबा साइज दीजिएगा इसका, तो चाउमीन में अच्छा दिखेगा। देखिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको लंबा लंबा साइज देंगे। गैस जला दिए हैं, इस पर कढ़ाई चढ़ा के चाउमीन को उबाल लेंगे। पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसको ढक देते हैं, जब तक इसमें बॉईल आता है तब तक सब्जियां सब सारा धो लेते हैं। देखिए, सब्जी सब कट गए हैं। देखिए, पत्ता गोभी है, मटर, लहसुन, मिर्चा, शिमला मिर्च, गाजर है, बीन है, ये प्याज है। ये सबको तब तक धो लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सारा सब्जी को धो लिए हैं। उसके बाद देखते हैं, इधर आते हैं, पानी में अभी उबाल नहीं आया है। उबाल आ जाएगा तो चाउमीन डालेंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें तेल डाल देते हैं। हाफ चम्मच का जितना डाले हैं। ये देखिए चाउमीन, इसमें चाउमीन डाल देंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक से चाउमीन टूट जाता है। ये देखिए फ्रेंड, अच्छा से बॉईल हो गया है। देखिए कितना नमकीला खिला है। ये देखिए, नमक देते ना तो ये पूरा टूट जाता, इसलिए इसमें नमक नहीं डाले। पाँच मिनट सेकेंड रहने देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड, हो गया है। आप कहिएगा कि हाथ से छू रहे हैं, इतना ठंड पड़ रही है कि अभी पानी में भी हाथ डालने से अच्छा ही लग रहा है। देखिए, बॉयल पानी है लेकिन तब भी उतना हीट नहीं हो रहा है। हाथ छान लेते हैं। अब इसको छान लेते हैं। इसको छान लेते हैं पूरा। देखिए फ्रेंड, इसमें अब ठंडा पानी डाल देंगे, इससे इसका कुकिंग बंद हो जाएगा। इसमें ठंडा पानी डाल दिए हैं, अभी फ्रेश हो जाएगा पूरा। इसका देखिए, पूरा ठंडा पानी डाल दिए, अब इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे, पानी पूरा निकल जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड, इसमें तेल डाल रहे हैं। उसको गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। प्याज डाल दिए हैं। प्याज को ब्राउन कर देंगे पूरा। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और सब्जी डाल देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड, सारा सब्जी डाल दिए हैं इसमें। अब इसको पकाएंगे पूरा, सारा सब्जी को अच्छा से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इधर तब तक उस सॉस को निकाल लेते हैं कटोरी में। आधा चम्मच ये देखिए सोया सॉस है। दो चम्मच लेंगे टमाटर सॉस। देखिए चिल्ली सॉस है, इसको भी दो चम्मच लेंगे। ये सारा को मिक्स कर देंगे। देखिए पक गया है। और ये पत्ता गोभी भी इसमें डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड,
अभी सारा सब्जी पक गया है। अब इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे। मसाला में सिर्फ काली मिर्च का पाउडर, ये देखिए काली मिर्च का पाउडर दिए हैं 1 चम्मच, और थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, बस इतना ही। ये देखिए इतना सा मिर्चा पाउडर डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच और डालेंगे, स्वाद अनुसार डालिए। सारा भून लेते हैं। अब ये देखिए ये सॉस रखे हैं, उसको भी डाल देंगे इसी में। थोड़ा देर चलाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब इसमें चाउमीन डालेंगे। गैस कम कर लीजिएगा। ये काटा चम्मच से जब इसको मिलाएंगे, ये काटा चम्मच से ही मिलेगा अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, सारा चाउमीन को मिक्स कर दिए हैं। सारा चाउमीन मिक्स हो गया है बहुत बढ़िया से। ये देखिए फ्रेंड, चाउमीन तैयार हो गया है। 4 पीस डाले थे। ये देखिए इतना हुआ है। ये देखिए, अगर आपको मेरा चाउमीन का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।